आज प्रेस मीट बुलाई गई है, उसकी वजह यह है कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट और चिक्कोड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के और सिटी के जितने भी जो जिम्मेदार हैं उनको रीशफल किया गया है। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट आलम सनदी साहब को दिया गया है, उसी तरह सिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद जैन डोनी साहब को दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट बड़ा होने की वजह से काम को आसानी तरह संभालने के लिए चुक्कड़ी पार्लियामेंट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन के सैयद जाकिर उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर ग्राम पंचायत इलेक्शन, जिला पंचायत इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तैयारी करने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जितने भी जो कैडर्स है उन लोगों को एकजुट होकर काम करने के लिए उन लोगों को अब बैरिस्टर सुद्दीन साहब ने जो डायरेक्शन दिया है वही डायरेक्शन के मुताबिक उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी को अकलियतों के फला बहबूदी के लिए पार्टी आवाज़ उठाने की बात कही जाती है। हाल ही में जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट पर जो ट्रैक डाउन किया गया, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, तमाम छोटे मोटे मसाइल पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं, इस पर खामोशी। असद साहब की खामोशी असद साहब ही बेहतर अच्छी तरह जान सकते हैं। एक सियासी पहलू की नगर से नज़र से देखेंगे तो SDPI पार्टी एक पार्टी के एक विंग है, PFI एक पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर, उनके एक्टिविटीज़ को लेकर कोई एक दूसरी पार्टी उसका जवाब देना या उसके बारे में बोलना, जहां तक मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं है। अगर तुम उस पार्टी को मुसलमानों की नज़र से अगर देख के अगर सवाल पूछते हैं तो मैं कहूँगा ये सवाल गलत है। अगर संविधान के दायरे में अगर कोई काम कर रहा है, मजलूम के आवाज़ उठा के काम कर रहा है, जब कोई कोविड के अंदर जो तकलीफ़ें आई उस वक्त में एक एज ए वर्कर, हिंदुस्तानी वर्कर के नाम पर काम कर रहा है, तो आज वो काम की ताकत को दबाने के लिए संविधान के दायरे के अंदर ही मशीनरी को यूज़ करके वो ताकत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि संविधान के दायरे में रहकर दबाया जा रहा है? संविधान के दायरे में रोकर ही दबाया जा रहा है, संविधान को पसे पुष्ट डालकर भी ये काम किया जा रहा है। आप अगर वो भी समझते होंगे तो वो भी सही है, क्योंकि मशीनरी को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए मैं वो काम जो है संविधान के दायरे में बता रहा हूँ। पार्टी का स्टैंड क्या है PFI को लेकर? नहीं, पार्टी देखो वो अपनी एक कैडर पार्टी SDPI है, हमारी भी कैडर पार्टी है। जब पार्टी क्योंकि अंदरूनी मसले पर अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसे भय बहुत से सारे लोग बहुत से मौके के ऊपर अलग अलग पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह वो भी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने, और जुल्म है ये। आने वाले चुनाव में तकरीबन जगहों पर लड़ सकती है या मानता है? इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेगी, और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का डायरेक्शन भी है कि तालुक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक हर इलेक्शन हम लड़ेंगे। कि संविधान को बचाना है तो दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, लिंगायत, जितने भी जो लोग हैं अगर ये पार्टी को साथ देंगे तो आने वाले दिनों में हम संविधान को बचा सकेंगे, जमहूरियत को बचा सकते हैं।